पेट्रोल पंप में, और जब ड्राइवर लोग हड़ताल करेंगे तो पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रहा है पेट्रोल पंप में। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जो पेट्रोल की तरह तरस रही है, ये ऐसा पहला मौका हो रहा है कि पॉकेट में पैसा रखने के बाद दो दो घंटा लाइन लगने के बाद तेल नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पुलिस वाले को पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, जो कि पुलिस वाले गाड़ी यहाँ पर इन लोग समझ नहीं रहे। ड्यूटी में जाना यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है 112 की सेवा वाले। छत्तीसगढ़ में जैसे ही ड्राइवरों ने हड़ताल करने की बात कही, पेट्रोल पंप के बाहर ऐसी हालत जो है कल दोपहर से शुरू हो गई थी। देर रात तक इतनी भीड़ थी कि लोगों को पेट्रोल मिल नहीं रहा था, और सुबह सुबह आलम ये हुआ कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गए। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, स्टाफ को तो मिल जाएगा, बाकी लोगों का क्या हाल है? बाकी लोग बहुत परेशान है, किसी को, मैं भी स्टाफ हूँ रेलवे में, लेकिन अंदर नहीं जाने दिए जा रहे हैं हम लोगों को। तो ये क्यों हुआ है, या इसका अंदाजा है आपको? हड़ताल हो रहा है उसका, ड्राइवर लोगों का, उसकी वजह से हुआ है। क्यों हो रहा है ड्राइवरों का हड़ताल? उनको एक्सीडेंट होने पर 50,000 का जुर्माना, 10 साल का जेल का, और उनको बेल नहीं मिलेगा इसके लिए। ये हमने सुना कि नॉर्मली हड़ताल होता है ड्राइवरों का, तो राशन दुकान में भीड़ होनी चाहिए, पेट्रोल के पंप में क्यों भीड़ हो गई? ड्राइवर पेट्रोल तो ट्रक से ही सप्लाई किया जाता है ना पेट्रोल पंप में, तो जब ड्राइवर लोग हड़ताल करेंगे तो पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रहा पेट्रोल पंप में। राशन का बैकअप तो फिर भी रहता है, पेट्रोल का नहीं होता। हाँ, पेट्रोल राशन भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत होगी, बट अभी पेट्रोल का पहले सबसे पहले दिक्कत इसी की आ रही है। हम पता करके ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसे लोग जो काम काज लोग हैं, काम पे निकलने वाले हैं, अब पेट्रोल नहीं मिला क्या करेंगे? सर अब पूछ तो कर नहीं सकते, पर वही कोशिश है कि पेट्रोल मिल जाए तो अपन ऑफिस जाए, ऑफिस से घर जा पाए। पेट्रोल नहीं मिलने पे बहुत दिक्कत होगा, और आप खुद देख सकते हैं कि चक्का जाम हो सकता है, ऐसे में अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकार को भी इस चीज को जो लागू की है उससे चक्का जाम हो रही है, और हो सके तो क्या पता पेट्रोल की भी रेट बढ़ सकती है फिर ऐसे में। तो ऐसे में पेट्रोल का रेट बढ़ सकता है, कालाबाजारी हो सकती है, लोगों को परेशानी हो सकता है, चक्का जाम हो सकता है, ये सब कहना है। भाई साहब ये बताएं, पेट्रोल मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, 2 घंटा इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं सिर्फ यहाँ पर पुलिस वाले को दिया जाएगा, आम पब्लिक के लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी नई सरकार बनी है, उनको व्यवस्था करना चाहिए। बिलासपुर की जनता और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जो पेट्रोल की तरह तरस रही है, ये ऐसा पहला मौका हो रहा है कि पॉकेट में पैसा रखने के बाद दो दो घंटा लाइन लगने के बाद तेल नहीं मिल रहा है, ये ऐसी व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। भाई साहब ये बताएं कि केवल पुलिस और स्टाफ के लिए है यहाँ पे पेट्रोल पंप? जाहिर सी बात है कि वो बात नहीं करना चाहते, व्यवस्था सुधारने पे लगे हुए हैं। अगर आज अपने काम पे नहीं पहुंचे पेट्रोल की वजह से कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी हो रहा है भैया, यहाँ पुलिस वाले को पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, जो कि पुलिस वाले गाड़ी यहाँ पर इन लोग समझ नहीं रहे हैं। गाड़ी तो पुलिस वाले की, लेकिन आदमी पुलिस वाला नहीं लग रहा है। उनका बेटा हूँ मैं, मेरे को भी तो समझ रहा हूँ, उनका काम है तो मेरे को ही तो करना पड़ेगा। ड्यूटी में जाना है, यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है 112 की सेवा वाले को, हॉस्पिटल लेके जाना है मरीज को। ये ज्यादातर पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल खत्म हो चुका है, ऐसी स्थिति है क्या? जी सर, क्योंकि यहाँ पास अयुब पेट्रोल पंप है, और आपका ओवरब्रिज के नीचे वहाँ भी नहीं दे रहे हैं, और यहाँ भी बैन कर दिए हैं। सर नया सरकार बनी है, नए सरकार को ये चीज को ध्यान देना चाहिए, ऐसे में अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, और इसमें पब्लिक भी हल्ला करना चालू करेगी तो दिक्कत होगी। फिर पब्लिक अगर हल्ला करे तो दिक्कत हो जाएगी। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से दिखाए कि किस तरह से क्राउड में एम्बुलेंस भी जो है वो फंसा हुआ है पेट्रोल पंप के बाहर, जो है पेट्रोल नहीं मिलने की स्थिति में एम्बुलेंस भी नहीं चलेगा। आप तो आप एम्बुलेंस वाले जो मेडिकल सेवा है वो भी जो है परेशान हो रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं, गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है, और प्लस जो स्ट्राइक कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर उनका भी हुआ है, जबकि गवर्नमेंट को सब चीज देखना चाहिए। कानून तो लेकिन लोगों की रक्षा के लिए है, अगर सख्त कानून होंगे तो लोगों को एक्सीडेंट नहीं होगा, लोगों की जान नहीं जाएगी। अब ये हड़ताल करने की नौबत क्यों आ गई? सर ट्रक वाले लोगों को कुछ इशू है, अगर देखा जाए इस वे से तो ट्रक अगर सही से चलाएंगे तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और प्लस जो ये पेट्रोल का सिलसिला है सबसे बड़ी चीज, गवर्नमेंट भी इसको मोटली फोकस करना चाहिए। देखो जरूरी कि नहीं सिर्फ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जब तनख्वाह होती है उनको तो बैठे बैठे मिल जाएगा, बाकी अदर कैसे करेगा पब्लिक, वो भी तो काम में जाएगा ना। किसी कोई 200 कमाता है, कोई 2000 कमाता है, तो 2000 चल जाएगा, 200 रुपये वाला तो नीचे गिर जाएगा ना। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आम लोगों को, सिविलियन को पेट्रोल नहीं मिला तो उनकी रोजी रोटी का भी समस्या होगा, और उनके लिए जो है जीवन यापन कठिन हो जाएगा। पुलिस वाली गाड़ी तो लेके आए हैं, लेकिन अगर नहीं दिया, स्टाफ नहीं मान के, अंडर एज दिख रहे हो तो? नहीं, अंडर एज नहीं होगा, अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा मिल जाएगा, क्योंकि
पापा को भी जाना है ड्यूटी, तो बस गाड़ी लेके आया था। ये कुछ 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 और लोग हमसे बात करना मांग रहे हैं, बताइए भाई क्या बोलना मांग रहे हैं आप? 100 रुपए अच्छा ले लो लेकिन पेट्रोल दे दो, क्योंकि काम है, काम नहीं रुक सकता ना, काम तो है इतना सारा, अतिरिक्त कमाई का जरिया चल रहा है। अरे मेरे को नहीं मालूम, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बात कहा है, काम का जो लोगों के अलावा आप देख सक रहे हैं कि किस तरह शोर है, पीछे एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस को भी आने के लिए लोगों को जगह नहीं दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि ड्राइवरों का हड़ताल है और हड़ताल की वजह से जो है अब व्यवस्था चरमराने लगी है, बिगड़ने लगी है और लगातार ये देखा जा रहा है कि आम लोगों के अलावा जो शहरी के अलावा जो है सरकारी अधिकारी कर्मचारी और उनके स्टाफ के लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये पुलिस पेट्रोल कल्याण पेट्रोल है जहाँ पे सामान्य तौर पे भी ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन आज तो मामला ही गड़बड़ लग रहा है। क्या बताएं, बोलो तो कैसे बोलूंगे, समझ ही नहीं आता, तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अलग नहीं है, कैसे करेंगे इंसान बताइए। काम धाम सब खत्म, काम धाम भी सब खत्म हो रहा है, दूसरे दूसरे जगह जाना है, क्या करेगा इंसान। ये कहना जो है इनका है कि काम धाम से लेकर बाकी तमाम चीजें जो है व्यवस्था चरमराई हुई है। आप इधर देखें कि किस तरह से पुलिस वाले जो है ट्रैफिक संभालने में लगे हुए हैं, आम लोग जो है वो रश लग रहा है पेट्रोल पंप के बाहर और इस वजह से जो है भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में खुद स्टाफ को उतर कर जो है व्यवस्था जो है संभालनी पड़ रही है। भाई साहब ये कल से ऐसी स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है कब सुधरेगी व्यवस्था, थोड़ा बताया कि आप खुद व्यवस्था सुधारने में खुद ही लगे हुए हैं आप, तो देख रहे हैं पुलिस वाले हैं, ज्यादा बात करना नहीं चाहते, इस विषय में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिस्टर आपसे पूछेंगे, अगर पेट्रोल नहीं मिला आज कितना प्रभावित होंगे, कितना परेशानी होगा? मेरे को ड्यूटी जाने के लिए भी लेट हो रहा है और बच्चों को भी स्कूल लेकर के जाना है, बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है। ये तो कल दोपहर से ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप कल दोपहर को नहीं आए थे क्या? मैं कल दोपहर में ड्यूटी में थी तो मेरे को पता नहीं चल पाया था। अब क्या करेंगे, 150 एक्स्ट्रा दे के भी पेट्रोल मांगेंगे किसी से? नहीं ऐसा तो नहीं है, मिल जाना चाहिए जल्द ही, सब स्थिति सामान्य हो जाएगा। सिविलियन को आम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो सकती है। आप देख रहे हैं किस तरह से झगड़ा होने की स्थिति बन गई है, ट्रैफिक जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशानी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ड्राइवरों की हड़ताल थी वहां जिला प्रशासन के साथ एक बैठक भी हुई थी जो कि बेनतीजा नहीं रही। ये सारा अव्यवस्था जो है उसी लिए हो रहा है और आने वाले दिनों में ये व्यवस्था और बिगड़ सकती है अगर इसका समय रहते सही हल निकाला नहीं तो। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।